जी टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक न्यूरॉन, और आज के टॉपिक में हम न्यूरॉन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, और न्यूरॉन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इन चीजों को हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, इससे पहले प्रीवियस दो लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन के मेथड्स की बात की थी। हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन के दो तरीके हैं। कोऑर्डिनेशन या तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, और या फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी नर्वस सिस्टम के थ्रू। आज से हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का टॉपिक शुरू हो रहा है, जो अगले कुछ लेक्चर्स तक चलेगा। और ये जो न्यूरॉन है, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने नेफ्रॉन पढ़ा, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, बिल्कुल उसी तरह से जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बट बिफोर दैट वी मूव इनटू द न्यूरॉन, आई वुड वांट कि हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को एक थोड़ा सा रोडमैप बना लें कि हम उसमें पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। सो मेरा बेटा, इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों पे, दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज CNS, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, एंड इट्स सेकेंड पार्ट इज PNS, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो CNS है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आगे मजीद दो हिस्सों में डिवाइडेड है जी। फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। सिमिलरली ये जो PNS है, ये भी मेरा बेटा दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये दो तरह दो इसकी टाइप्स हैं जी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम, SNS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम ये न्यूरॉन के बाद, जब हम न्यूरॉन को आज अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम यहां से CNS के ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। ब्रेन के बाद हम स्पाइनल कॉर्ड पे आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, और फिर सोमेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। इस तरह से अगले कुछ लेक्चर में हमारा ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है बेटा, इट विल बी क्लियर, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब बात स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन्स की, कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। भाई, हम न्यूरॉन्स के बारे में कहते हैं कि दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड एस बुनियादी तौर पे ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है ना जी, ये एक नहीं बल्कि दो तरह के सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन तो मैंने यहां पर बना भी दिया है, साथ साथ कुछ थोड़ी सी मूवमेंट वाली एनिमेशन चल रही है। विद दैट हम जरा इसकी बाकी चीजों को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ना, ये सिर्फ न्यूरॉन्स का नहीं बना होता, बल्कि इसमें दो चीजों के, दो तरह के सेल्स होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड गैंग्लियन। ये बिल्कुल ऐसे हैं गैंग्लियन जैसे आपने नाइन्थ क्लास में कंपेनियन सेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। देखिए, जो नर्वस सिस्टम के मेन सेल्स हैं वो ये न्यूरॉन्स हैं, जो मेन एक्चुअल काम करते हैं वो ये न्यूरॉन्स हैं। दीज गैंग्लियन आर एक्चुअली द सपोर्टिंग सेल्स, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। इनका काम न्यूरॉन्स का ख्याल रखना, न्यूरॉन्स की नरिशमेंट करना, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना होता है। सो व्हेन वी स्टडी, वी ओनली टॉक अबाउट द न्यूरॉन्स, बिकॉज बेसिक प्राइमरी फंक्शन जो है वो ये न्यूरॉन्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहां पर सवाल ये नहीं है कि न्यूरॉन्स का फंक्शन एक्चुअली होता गया, तो आइए जरा उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मेरा बेटा, न्यूरॉन्स का फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स। ये सारे टर्म्स हमने आई होप पढ़ ली है इन द प्रीवियस लेक्चर, एंड आई होप आपको पता होगी। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड देन टू इफेक्टर, ये काम है जी न्यूरॉन का। देखिए, हमने पिछला जो लेक्चर पढ़ा ना कोऑर्डिनेटेड एक्शन वाला, उसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन पढ़े, कि पहले स्टिमुलाय रिसीव होता है, रिसेप्टर रिसीव करता है, फिर इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर के पास भेजी जाती है, फिर कोऑर्डिनेटर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई ना कोई एक्शन लेता है, उस एक्शन की जो हिदायत है वो इफेक्टर को दी जाती है, और फिर एक्शन परफॉर्म किया जाता है।
अब ये जो सारी की सारी मैसेजिंग या कम्युनिकेशन हो रही है ये मेरा बेटा न्यूरॉन करता है, ये साहब है जो ये काम करते हैं। देखिए आपको इस न्यूरॉन के अंदर अब एक ये बॉल सा मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा, दिस इज एक्चुअली द नर्व इंपल्स, दिस इज एक्चुअली द मैसेज। पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मौजूद होते हैं, एक न्यूरॉन फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा। सो मैसेज एक जगह से ट्रांसमिट होना शुरू हुआ, मुंह पे थप्पड़ पड़ा, मुंह से मैसेज ट्रांसफर होना शुरू हुआ, न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने कोई एक्शन लिया, एक्शन वाला मैसेज भी न्यूरॉन्स के थ्रू ही अफेक्टर तक पहुंचेगा और दैट एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। अब फंक्शन भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, मैं चाहता हूं इसकी स्ट्रक्चर की हम जरा बात कर लें। दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर दैट आई हैव शोन यू पीपल, ताकि आपको ड्रॉ करने भी आ जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। जब हम अभी टाइप्स में जाएंगे आफ्टर अ बिट, तो फिर मैं आपको इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी शो करवाऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एज वेल, कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। वैसे तो बेटा इसके तीन मेन पार्ट्स हैं जी, उनको हम ड्रॉ भी करते हैं साथ साथ। इसका पहला पार्ट ये इस तरह का होता है, आप कोशिश किया कीजिए जितने भी स्ट्रक्चर हो वो मेरे साथ ड्रॉ कर लिया करें ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसका पहला पार्ट कुछ इस तरह का होता है और उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर यूं स्ट्रेट हो जाती है एंड एट द एंड इस तरह की कोई कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसकी मौजूद होती है। सो दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अभी हमने इसको लेबल करना है एंड इन द लेबल लेबलिंग विल गेट टू अंडरस्टैंड कि इसके बुनियादी पार्ट्स हैं कौन कौन से। यहां पर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है इसके मिड में। सो मैंने ये जो आपको कहा कि इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, लेट मी राइट देयर नेम्स एज वेल। इसका जो पहला पार्ट है जी दैट इज सेल बॉडी। अब हमें आइडेंटिफाई भी करना है सेल बॉडी कहां है, तो ये वाला जो एरिया है, ये सारी जगह जो आपको नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। सेल बॉडी के बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है न्यूरॉन का वो होते हैं डेंड्राइट्स। ये सेल बॉडी की आपको आपको कुछ एक्सटेंशन नजर आ रही होंगी, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल बॉडी से ऊपर को निकलती हुई नजर आ रही होंगी। इन स्ट्रक्चर्स को मेरा बच्चा कहते हैं जी डेंड्राइट्स। सो दिस इज द सेकेंड पोर्शन। और थर्ड पोर्शन होता है एक्सॉन। नाउ दिस इज द थर्ड पोर्शन एक्सॉन। ये जो नीचे एक लंबी सी तेल है इसको बेटा एक्सॉन बोलते हैं और यही तेल तीन बुनियादी तौर पर मेन कंपोनेंट्स हैं इसके हमारे पास न्यूरॉन। सो मैं एक्सॉन को ऐसे बना देता हूं फॉर अ वेरी रीजन, अभी मैं आपको वो भी बताता हूं। ये तीन तो मेन कंपोनेंट्स हैं। सेल बॉडी जो है ये सेंट्रल पार्ट है, आप ऐसे समझिए पूरे न्यूरॉन का जो सेंट्रल पार्ट है जहां से डिसीजन लिए जाते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है। तो डिसीजन मेकिंग का जितना भी काम है न्यूरॉन के हवाले से वो सेल बॉडी करती है। अब बात रहेगी इन दोनों की, डेंड्राइट्स की और एक्सॉन की। इनका डिफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो डेंड्राइट्स हैं दे ब्रिंग नर्व इंपल्स NI टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये जो नर्व इंपल्स है सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। आप यहां पर भी ध्यान दें, गौर करें तो जो मैसेज हमारा ट्रांसफर हो रहा है ना, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो सेल बॉडी से एग्जॉन की तरफ हो रहा है। तो पिछले न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक मैसेज लाने का जो काम है वो ये डेंड्राइड करते हैं। मैसेज यू ऐसे करके सेल बॉडी तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइड्स। अब जो एक्सॉन्स हैं उनका काम है मेरा बेटा टू ब्रिंग नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये मेरा बेटा मैसेज को, नर्व इंपल्स को, पैगाम को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। अगर डिफरेंस भी आएगा तो आप यही लिखेंगे, ये मैसेज सेल बॉडी के करीब लेके आते हैं और ये मैसेज सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। नाउ दीज थ्री आर द मेन कंपोनेंट्स। बट इसके अलावा ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर कुछ सब स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होती हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। और उन सब स्ट्रक्चर्स में से सबसे पहली स्ट्रक्चर है जी हमारे पास श्वान सेल्स। ये स्पेशल किस्म के सेल्स हैं जो एक्सॉन के अराउंड कुछ इस तरह से मौजूद होते हैं। ये एक श्वान सेल है, ये दूसरा श्वान सेल है। इन श्वान सेल्स के दरमियान फासला भी होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल साथ साथ ही श्वान सेल्स मौजूद होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस भी मौजूद होता है। सो आई एम गोना ड्रॉ द श्वान सेल्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। ये हमारे श्वान सेल्स बन गए, लेट मी लेबल देम एज वेल। सो ये हो गए हमारे श्वान सेल्स। अच्छा,
श्वान सेल्स के दरमियान ये वाला जो फासला है जहां पर एग्जॉन जो है उसके ऊपर श्वान सेल नहीं है, उनको उसको भी हम एक नाम देते हैं, उस हिस्से को हम नाम देते हैं जी नोड ऑफ रेनवेयर का, नोड ऑफ रेनवेयर। सो ये जो इलाके आपको नजर आ रहे हैं जहां पर श्वान सेल्स मौजूद नहीं है, ये होंगे जी हमारे नोड ऑफ रेनवेयर। लिंच, ये बात भी होगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो यहां पे होती है, समटाइम्स ये जो श्वान सेल्स है बेटा ये फैट की एक लेयर रिलीज कर देते हैं अपने ऊपर। सो ये जो सिनेरियो है ये कुछ इस किस्म का बन जाता है कि श्वान सेल और उसके ऊपर ये फैट लेयर, श्वान सेल और उसके ऊपर ये फैट लेयर जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर दिया, ये फैट लेयर। अब इस फैट लेयर को जो ये श्वान सेल्स बनाते हैं बेटा उसको भी हम एक नाम देते हैं, और उसको हम नाम देते हैं माइलिन शीथ का। सो ये जो माइलिन शीथ है ये श्वान सेल्स रिलीज करते हैं। इस माइलिन शीथ के बारे में दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं दैट आई वांट टू शेयर विद यू पीपल रिटन इन योर बुक एज वेल। इस माइलिन शीथ की सबसे अहम बात ये है कि क्योंकि बेटा ये लिपिड्स की बनी होती है ना, तो दिस इज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है, इसमें से ना इलेक्ट्रिसिटी या करंट या इलेक्ट्रॉन तो गुजर ही नहीं सकते बिकॉज ये लिपिड्स की बनी हुई है। अब जो नर्व इंपल्स होती है, जो मैसेज आ रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। इसका मतलब ये है कि वो मैसेज इसमें से तो गुजर नहीं सकेगा। अब उस मैसेज के पास एक रास्ता है कि वो बेचारा यूं गुजरे, यानी ये मैसेज आ रहा है ऐसे ऐसे, तो वो मैसेज बेचारा जो है वो यूं गुजरे जंप करके यहां से यहां, फिर जंप करके यहां से, बिकॉज उसमें से तो वो गुजर नहीं सकता, राइट। तो होता क्या है, होता क्या है, अब मैसेज के पास नर्व इंपल्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है गुजरने का, तो वो क्या करेगा, वो इसमें से तो गुजर नहीं सकता, तो वो करता है जंपिंग, ऐसे ऐसे यहां से यहां कर गया जंप, यहां से यहां कर गया जंप, यहां से यहां, इस तरह जंपिंग के थ्रू ये नर्व इंपल्स चलती है। अच्छा, जो नर्व इंपल्स ऐसे जंप करती है फ्रॉम नोड टू नोड, उस नर्व इंपल्स को हम एक नाम देते हैं, हम कहते हैं जी ये नर्व इंपल्स जो है जनाब ये है साल्टेटरी इंपल्स, दिस पर्टिकुलर नर्व इंपल्स इज साल्टेटरी इंपल्स। ये जो इंपल्स आपको नजर आ रही है, अब ये दोनों तरह के इंपल्स है। देखिए सारे के सारे न्यूरॉन्स में ना ये श्वान सेल्स और माइलिन शीथ नहीं होती, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें श्वान सेल्स और माइलिन शीथ होती है और कुछ में नहीं होती। अच्छा, अब जिनमें नहीं होती माइलिन शीथ उनको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जिनमें माइलिन शीथ होती है उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है ना जिनमें माइलिन शीथ होती है, उनमें गौर कीजिए जरा ऊपर वाली स्ट्रक्चर में, ऊपर वाली मूवमेंट में, ऊपर वाली नर्व इंपल्स में, कि वहां पर नर्व इंपल्स नोड टू नोड मूव कर रही है, जंप कर रही है, जंपिंग कर रही है। इस तरह की नर्व इंपल्स को कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स, और जो सिंपल न्यूरॉन होते हैं जिनके अराउंड माइलिन शीथ नहीं होती, उनमें जो नर्व इंपल्स है वो बड़ा स्मूथली ट्रेवल करती है। यहां पर सवाल ये भी है कि क्या इस साल्टेटरी इंपल्स का कोई फायदा है, तो यस देयर इज बेनिफिट ऑफ द साल्टेटरी इंपल्स बेटा, दिस इज फैस्टर, ये तेज होती है देन द नॉर्मल वन, देन द सिंपलर वन, जो सिंपल नर्व इंपल्स होती है उसकी स्पीड जो है वो कम होती है। हमारा अगला कॉम्पोनेंट इस लेक्चर का है मेरा बेटा टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। अब यहां पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि देखिए कोई न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, कोई न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, और कोई न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है। सो देर आर डिफरेंट फंक्शंस फॉर द डिफरेंट न्यूरॉन्स। इसका मतलब यह है कि सारे न्यूरॉन एक तरह के नहीं होंगे, देर वुड बी सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस इन बिटवीन द न्यूरॉन्स, और इसीलिए हमने न्यूरॉन्स को किया है टाइप्स में डिवाइड। भाई हम कहते हैं कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की हमारे पास हैं जी तीन टाइप्स। पहली टाइप है बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स जनाबे वाले। अच्छा, ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये ऐसे न्यूरॉन्स है, बात पे गौर कीजिएगा जरा, दे आर द न्यूरॉन्स दैट कंटेन सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जी जिनके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, और भी इस इंफॉर्मेशन को लेकर, सेंसरी इंफॉर्मेशन कहां से आएगी और कीजिए जरा, सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी सेंस ऑर्गन से,
आंख से, नाक से, कान से, स्किन से, राइट। सो ये सेंसरी न्यूरॉन, ये हमारे पास पहली टाइप न्यूरॉन की, ऐसे न्यूरॉन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं एंड दे ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। ये वाले जो न्यूरॉन है ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक लेके आते हैं मेरा बेटा। ये है जी इनका काम। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इनके ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, जो इनके जो डेंड्राइट और एक्सॉन्स है उनके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इनके जो डेंड्राइट और एक्सॉन्स है, यहां पे देखिए हमने ये वाला जो न्यूरॉन बनाया था ना, ये एक्चुअली एक मोटर न्यूरॉन है। ये वाला जो हमने न्यूरॉन बनाया था ये एक्चुअली एक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको, अब क्योंकि कहा है कि इनकी तीन टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है दे ऑलवेज हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। इनमें हमेशा एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन होता है। आप ये वाला जो मेरे से बिल्कुल करीब वाला इमेज है उसको देखें तो वहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि सेल बॉडी दरमियान में है, उसके ऊपर एक डेंड्राइट निकल रहा है और उसके नीचे से एक एक्सॉन निकल रहा है। एक ही डेंड्राइट है, एक ही एक्सॉन है, इन द सेंसरी न्यूरॉन्स। हमारे पास दूसरी टाइप न्यूरॉन्स की जनाब मोटर न्यूरॉन्स, अच्छा ये मोटर न्यूरॉन्स इनके बिल्कुल उलट है। ये मोटर न्यूरॉन्स जो है दे ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर। ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और उसको लेके जाते हैं मेरा बेटा इफेक्टर्स की तरफ। यानी इनका काम इंफॉर्मेशन लेके आना है ब्रेन तक और मोटर न्यूरॉन्स का काम इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाना है। इनकी खास बात यह है कि दे हैव मेनी डेंड्राइट्स, इनमें डेंड्राइट्स की तादाद तो एक से ज्यादा होती है बट दे ऑनली हैव वन एक्सॉन, इनमें एक्सॉन की तादाद एक होती है। आप ये वाला इमेज देखिए या वो लास्ट वन देखिए, उनमें दोनों में आपको डेंड्राइट्स एक से ज्यादा नजर आ रहे होंगे और एक्सॉन एक ही नजर आ रहा होगा। हमारे पास तीसरी टाइप है जी न्यूरॉन्स की, इंटर न्यूरॉन्स। ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ टू, बोथ ऑफ दीज। ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं जनाब दे एक्चुअली मेक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे मेक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो बुनियादी तौर पर इन इंटर न्यूरॉन्स का बना होता है। और इनकी खास बात ये होती है कि दे हैव मैनी डेंड्राइट्स, इनके डेंड्राइट्स भी एक से ज्यादा होते हैं और जो इनके एक्सॉन्स हैं बेटा वो भी एक से ज्यादा होते हैं। सो दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स। आज के लेक्चर की आखिरी बात और वो ये है कि आपने कहीं ये पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, वो सारी उम्र डिवीजन नहीं करते। एक्चुअली उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स का काम करती हैं, और जब कभी कोई न्यूरॉन ब्रेक हो जाता है तो उसको रीजनरेट करने का काम ये प्रोटीन्स करती हैं। और न्यूरॉन्स के अंदर किसी भी किस्म की डिवीजन नहीं होती, न्यूरॉन्स की तादाद नहीं बढ़ती। आपको सवाल हो तो आप ओटीपी से मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।